हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अज्जू नमो किचन में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए गाजर के हलवे की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ही लाजवाब बना है। देख सकते हैं आप कितना लजीज दिख रहा है, ये बिल्कुल होटल की तरह बना हुआ है। बहुत सारे लोग एक गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उनके गाजर के हलवे का कलर ख़राब हो जाता है। तो अब आप हमारी वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना। मैं आपको उसमें आगे ऐसी ट्रिक बताऊँगी जिससे कि आपके गाजर का हलवे का कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, सेम ऐसे रहेगा, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लजीज, जैसे कि मेरे गाजर के हलवे का है। और ना तो कोई आपको फूड कलर यूज करना पड़ेगा और ना ही कुछ भी। इसके लिए चलिए फटाफट से हम गाजर का हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। गाजर कोई सा भी आप ले आएँ, ऑरेंज वाला, लाल वाला, बहुत सारे लोग अपनी वीडियो में बताते हैं कि आप ऑरेंज वाला ले लें, रेड वाला ले लें, ज़्यादा टेस्टी होता है, ज़्यादा अच्छा कलर आता है। ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई सा भी गाजर ले आएँ, बस जो तरीका अभी मैं आगे वीडियो में बताने वाली हूँ उस तरीके से बनाइए तो आपका हलवा बहुत ही टेस्टी बनेगा। सबसे पहले हम गाजर को छील के और कद्दूकस कर लेते हैं। ध्यान रखें, आप कद्दूकस इधर से पतली पतली कलियाँ आती हैं उधर से हमें कद्दूकस करना है, जिधर से ये थोड़ी मोटी कलियाँ आती हैं उधर से कद्दूकस नहीं करना है। और गाजर को सीधे सीधे ऐसे हम खड़े खड़े कद्दूकस करते हैं वैसे नहीं करना है, थोड़ा फ्लैट करके उसके बाद कद्दूकस करना है। इससे कलियाँ बहुत अच्छी लंबी लंबी आएंगी, स्ट्रेट रहेंगी और गाजर का हलवा बहुत ही अच्छा देखने में रहेगा। तो चलिए फटाफट से हम इसे कद्दूकस कर लेते हैं। देखिए अभी कितनी अच्छी तरीके से ये मैंने इसे कद्दूकस कर लिया है, ये बिल्कुल कद्दूकस सारा गाजर हमारा हो गया है। तो अब हमें एक पॉट लेना है, बड़ा सा माइक्रोवेव सेफ बाउल लेना है, क्योंकि आज का गाजर का हलवा हम माइक्रोवेव में बना रहे हैं। और अगर आपको गाजर का हलवा बिना माइक्रोवेव में चाहिए, गैस पे, इंडक्शन पे, तो उसकी भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो माइक्रोवेव सेफ एक बाउल लेना है हमें, उसके अंदर इसे डाल देना है। अब हम इस पर ऊपर से 2 चम्मच घी डालते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके माइक्रोवेव में डालते हैं। लेकिन अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, घी नहीं खाना चाहते, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। कि आज का गाजर का हलवा हम माइक्रोवेव में बना रहे हैं इसलिए हमें घी या ऑयल, तेल, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माइक्रोवेव में बहुत अच्छी तरह से बिना घी के, ऑयल फ्री, ये बहुत अच्छी तरह से पक जाता है और स्वाद भी इसका बहुत ही अच्छा रहता है। तो चलिए अब हम इसे माइक्रोवेव के अंदर डालते हैं। माइक्रोवेव में हमें माइक्रो बटन को प्रेस करनी है, माइक्रो बटन होती है, इसे प्रेस करना है, 900 वॉट आ जाएगा। तो 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें इसे अब रोटेट करना है। रोटेट करते हुए हमें फर्स्ट बार 10 मिनट्स का टाइम सेट करना है। 10 मिनट का टाइम सेट करने के बाद हमें स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देना है और इसे स्टार्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे अभी स्टार्ट कर दिया है 10 मिनट्स का टाइम सेट करके। देखिए कितनी अच्छी तरह से रोटेट होकर बन रहा है। माइक्रोवेव में बनाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा, बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस चीज़ें इसमें बनती हैं, कोई भी रेसिपी बिल्कुल ऑयल फ्री बनती है। इसमें आप ज़्यादा ऑयल डाल भी नहीं सकते, ज़्यादा ऑयल की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है और आपके हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, टेस्ट तो बहुत ही अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, बातों ही बातों में 10 मिनट्स हो गए, माइक्रोवेव से बीप साउंड आ गया, 10 मिनट्स हो गए। तो अभी चलिए हम इसे बाहर निकालते हैं। वाह, देखिए कितनी अच्छी तरह से इसका कलर थोड़ा चेंज हो रहा है, अभी ये बहुत अच्छी तरह से पक गया है। तो हम इसे बाहर निकालते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम मिल्क लेते हैं। ये देखिए, ये 1/2 लीटर मिल्क है, फुल फैट मिल्क है, इसे मैंने गर्म किया था एक बारी। तो सबसे पहले इसमें मिल्क ऐड करते हैं। ध्यान रखिए, सबसे पहले लोग यहीं पर गलती कर देते हैं कि इसमें मिल्क ज़्यादा डाल देते हैं। मिल्क सिर्फ हमें इतना डालना है कि गाजर हमारा डूब जाए, तो हम इसमें इतना मिल्क डालेंगे। देखिए, मैंने सिर्फ इतना मिल्क ऐड किया है कि गाजर हमारा डूब गया है। अब इसे वापस से हम माइक्रोवेव में डालते हैं। अब हमें इसे माइक्रो बटन पे वापस से क्लिक करना है, 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें इसे रोटेट करना है और रोटेट करके हमें 10 मिनट्स का टाइम सेट करना है। मैंने इसमें 10 मिनट 30 सेकेंड्स का टाइम सेट कर दिया है और अब ये 10 मिनट 30 सेकेंड में अच्छी तरह से मिल्क के साथ अच्छी तरह से ये पक जाएगा। लोग यहीं पर गलती कर देते हैं कि मिल्क डालने के बाद इसे कई बार 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 चलाते हैं। आप अगर गैस या इंडक्शन पे बना रहे हैं तो फ्लेम को बिल्कुल लो करिए, मिल्क डालने के बाद आप इसे ढक दीजिए और ढक के 5 to 6 मिनट के लिए इसे छोड़ दीजिए। वापस से इसे ओपन करके देखिए, अगर मिल्क उसमें ज़्यादा आपको दिख रहा है तो वापस से 2 to 3 मिनट के लिए ढक के छोड़ दीजिए। इससे आपके हलवे का कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और हलवा आपका टूट के उसी में चूरा बन जाता है, तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, अच्छी तरह से पक भी जाएगा और लंबी लंबी स्लाइसेस में भी रहेगा। 10 मिनट्स हो गए हैं, तो चलिए अब हम इसे बाहर निकालते हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह से दूध के साथ में ये बिल्कुल गाजर का हलवा पक गया है। तो अब हम इसमें खोया ऐड करेंगे।
खोया हमें 1 kg गाजर था, तो मैं इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर लें। हम इसमें 100 ग्राम ही खोया डालेंगे और साथ में 100 ग्राम ही शक्कर डालेंगे। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप शक्कर की क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा लें। 1 kg गाजर लिया था हमने, इसलिए हम 100 ग्राम ही इसमें शक्कर डालेंगे। और अगर आपको ड्राई फ्रूट्स डालने हैं तो आप यहीं पे ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। हमारे घर पे गाजर के हलवे में उतना ड्राई फ्रूट पसंद नहीं करते, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। आप अगर आपको पसंद है तो आप बिल्कुल डाल सकते हैं। अब चलिए इसमें ऐड करने के बाद हम मिक्स कर देते हैं। तो अभी इसमें खोया और शक्कर बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, तो अब मैं इसमें एक बहुत ही यूनिक चीज़ मिक्स करूँगी। एक ये पाउडर है, बहुत ही टेस्टी पाउडर है, जो इलायची और बहुत सारी चीज़ों से मैंने बनाया है। कैसे बनाया है उसकी लिंक ऊपर आई बटन पे है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। वो मैं इसमें आपको नहीं बताऊंगी, ये बहुत ही यूनिक ट्रिक है और बहुत ही टेस्टी इससे गाजर का हलवा बनता है। तो चलिए अब हम इसे कुक करने के लिए वापस से रख देते हैं माइक्रोवेव में। अब भी वापस से हमें सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। सबसे पहले माइक्रो बटन पे प्रेस करना है, उसके बाद 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे रोटेट करना है, लेकिन इस बारी सिर्फ 5 मिनट के लिए हमें इसे स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना है, 5 मिनट टाइम सेट करके। ध्यान रखें, यहीं पे लोग गलती कर देते हैं, शक्कर और खोया मिक्स करने के बाद इसे ज़्यादा पका देते हैं, जिससे कि इसका कलर भी ख़राब हो जाता है और खोए की कंसिस्टेंसी भी ख़राब हो जाती है। शक्कर उसमें ज़्यादा मेल्ट हो जाता है, ज़्यादा चिपकने लग जाता है, इसलिए उस तरीके का आप इसे बहुत कम पकाएं। अगर आप गैस और इंडक्शन पर पका रहे हैं तो 2 से 3 मिनट ही पकाएं, वो भी मीडियम फ्लेम में। तो अभी 5 मिनट हो गए हैं, तो देखिए कितनी अच्छी तरह से बहुत ही लाजवाब, बहुत ही रसीले बने हुए हैं, एकदम होटल की तरह हमारे, कितना अच्छा ये बना हुआ है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी मैं खा लूँ, आप लोगों को वीडियो नहीं शूट करके दिखाऊँ, इसलिए फटाफट से अब मैं सर्व करके खाने वाली हूँ। आपको कैसी लगी हमारी इसकी रेसिपी, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको इंडक्शन पे बनाना है, गैस पे बनाना है, तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं दी हूँ, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए प्लीज़।